हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सरसाइज 11 आर एस अगल बुक का 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी ये भी बेसिक क्वेश्चन है, वो भी 5 क्वेश्चन जो थे काफ़ी बेसिक थे, ये भी क्वेश्चन बेसिक है। केवल इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ याद होने चाहिए डिफरेंट एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। तो इसमें भी सारे क्वेश्चंस में वैल्यू ही निकालना है, यानी कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं सॉल्यूशन 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है कॉस एन थीटा, ऐसे लिखा गया है, ठीक है, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और अच्छे से। तो मान हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे है कहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, ये बात पहले भी बताए थे। या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, जैसे कि साइन रहे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे पावर 2 ही रहे, पावर 3 हो सकता है, कोई भी पावर रहे, एन पावर, एनथ पावर, ठीक है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई भी पावर। उसी तो लिखे थे हम, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कॉस का पावर 4 थीटा, तो कॉस के पावर 4 थीटा को कॉस थीटा का होल का पावर 4, ठीक है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये कंसेप्ट लागू है, और कोई भी पावर के लिए, कुछ भी पावर हो, ठीक है, पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी पावर है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता दिए, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री को हम 2 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू रखना है। ये 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 3 साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 30 और कॉस 60 दोनों का वैल्यू सेम होता है, जो कि 1/2 होता है, प्लस 2 इंटू अब है कॉस 90 डिग्री, कह रहे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, और कॉस 90 का कितना होता है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, केवल क्या होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इधर है प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, समथिंग इंटू 0 कितना होता है, 0 ही होता है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टू 4, तो बचेगा यहाँ पे 1/2 केवल, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 यानी कि 3/2, माइनस यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 3 इंटू 1 3 और नीचे क्या है 4, प्लस 0, तो 0 तो लिख नहीं रहे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले हम एलसीएम लेंगे 2 2 4 का, तो 2 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, प्लस फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 3 जा 6, ठीक है, 2 आएगा, 2 3 जा 6, माइनस यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 1 आएगा, और 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 ही हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 8, ठीक है ना, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 5, यानी कि कितना आ गया, 5/4, ठीक है। तो आंसर बस इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, 1/4, ठीक है ना, कैसे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, 5/4 हो जाएगा, ये मेरा हो गया पहला आंसर,
ठीक है, वन होल वन अपॉन फोर। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू याद रहे और उसको सिंप्लीफिकेशन सही से करें, कहीं भी गलती होगा तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्लियर है, एकदम सावधानी से करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स, वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते सब एंगल्स पे वैल्यू याद हो ही जाते हैं। अब हम सेवन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसको क्लीन कर रहे हैं, इसको लिख लो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब सेवन से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अभी आगे चल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, अभी बेसिक्स ही हैं। तो सॉल्यूशन सेवन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेवन क्या है, सेवन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर। अच्छा, हम इसी को यहीं पर हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख देते हैं यहीं पे साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे सॉल्व करने में आसान रहे। इनटू इसको हम लिखेंगे कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू, ठीक है, इंटू लिख भी सकते, नहीं लिख भी सकते, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/8 और कॉट स्क्वायर 60 को हम क्या लिखेंगे, कॉट 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर 60 को कॉट 60 डिग्री का होल स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे केवल कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन 30 और कॉस 60 में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इसका स्क्वायर, साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू, अब वहाँ पे है क्या, कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री और टेन 30 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, तो टेन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3, तो कॉट 60 का भी वैल्यू कितना होता है, 1/√3 ही होता है इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा केवल यहाँ पे प्लस 4 इंटू 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा केवल प्लस 1/2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/8 इंटू 1/ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 4 2 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3 प्लस ये 1 इंटू 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 8 3 24, क्लियर यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 8 3 2 और 24 इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24 ही होगा, क्लियर है। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 1 3 प्लस 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 4 32 प्लस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12 ही होगा प्लस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 3 35 36 और 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 48/24 आंसर कितना आ गया, क्लियर है, 48 24 मतलब 24 2 48 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, केवल वैल्यूज पुट करने हैं और इसको सावधानी से सॉल्व करना है, थोड़ा सा भी गलती होगा आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है, ठीक है, और कोशिश करें तो खुद से भी बनाने का, क्वेश्चन नंबर 8 को कोशिश कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अगर नहीं बन पाएगा तो सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे क्या है, क्वेश्चन 8 क्या है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 अपॉन 4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3। क्लियर है? टैन 60 डिग्री और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, जो कि कितना है रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 30 का रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो टू इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रूट 3 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 इंटू सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 45 का 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो सेक का कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो रूट 2 हो जाएगा केवल इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1 अपॉन 2 होता है, तो इस 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, केवल 3 बचेगा माइनस 2 इंटू यहाँ भी 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, केवल 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 अपॉन 2 माइनस ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, केवल क्या बचेगा 1। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, तो अच्छा माइनस है ना, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1। क्लियर है यहाँ पे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर यहाँ तक? एलसीएम 2 एक बार देख लेते हैं, एलसीएम 2 हो गया ये 6 माइनस 3 माइनस 3, और यहाँ पर देखो यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ पर 2 होगा। क्लियर है? यहाँ पर होगा 2, तो इसको हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से 6 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 6, कितना आ गया यहाँ पर 2 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है? तो यानी कि क्वेश्चन 8 का आंसर कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है, 2 अपॉन 2 1 आ गया आंसर। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन 9 देखेंगे, तो क्वेश्चन 8 बीजी था, केवल यहाँ पे वैल्यूज पे ध्यान देना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो गलत हो जाएगा पूरा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस ये क्या है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2। क्लियर है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 2। अब साइन 90 देखते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 ही होता है प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 रूट 2, तो यहाँ भी क्या होगा 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, केवल क्या बचा 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा यहाँ पे रूट 2 बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका भी एलसीएम जो होगा 2 रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है? रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, केवल क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल, क्या बचेगा केवल यहाँ पे रूट 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 रूट 2 प्लस रूट 2 ये कितना हो जाएगा 3 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा 3 रूट 2
प्लस यहाँ पे बच गया 2 और नीचे कितना हो गया 2√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√2 और -2 हो जाएगा यहाँ पे और नीचे क्या हो गया 2√2। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन सही से ढंग से करना है, थोड़ा सा इधर उधर होगा गलती होएगा। अब देखो, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जहाँ पे एक जगह पे 3√2 है और b की जगह पे क्या है 2 है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो उसी के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ए 3√2 है तो 3√2 का होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे b कितना है मेरा 2 है, तो माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 2√2 इंटू 2√2, तो 2 जा 4 इंटू 2√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2√2 इंटू 2√2 2√2 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो 9√2 कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्लियर है, ये हो जाएगा नीचे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 4 14 हो जाएगा, 14/8, तो ये 2 से चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14 2 4 8 तो 7/4 आ गया, क्लियर है यहाँ तक, 2 7 14 और 2 4 8। तो इसको हम करेंगे, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो इसको हम 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा तो रिमाइंडर को ऊपर रख देंगे और ये 4 हो गया। ठीक है, वही यानी कि 1 होल 3/4, क्लियर है, 4 1 जा 4 और 4+3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7/4, क्लियर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा मिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में भी केवल यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9th, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।